अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सहर तनवीर। तो अभी चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो आज मैं अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन आप लोगों को सिखाऊंगी, बेसिक अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन स्टार्टिंग कैसे करते। तो हमने हार्ट शेप्स बनाई हैं, तीन, जस्ट तीन लीव्स, उसके बाद मैंगो शेप बनाई है, ठीक है जी। तो ये हमारी मैंगो शेप बन चुकी है। उसके बाद क्या करना है, इसको आपने दूसरी साइड पे तीन जो है विंग्स डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं और एक भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अब जो है हार्ट शेप उसको थोड़ा डबल कर रहे हैं, डबल में ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसकी शेडिंग करेंगे हल्की हल्की, ठीक है। अगर आप मेहंदी यूज़ कर रहे हैं, हीना यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करना है कि मेहंदी लगाने के बाद, थोड़ी मोटी मेहंदी लगाने के बाद हल्की हल्की फैला देनी होती है, ठीक है जी। तो इसके बाद जो मैंगो शेप से इसको फील करना है, तो इसको हमने बढ़ना है, इसको कैसे बढ़ना है दिखाते हैं। इसको क्या करना है कि छोटे छोटे आप डाउट्स सर्कल्स बना सकते हैं, इसमें फीलिंग कर सकते हैं। ये जो मैंने लाइन डबल कर रही है ना, अगर मेहंदी से आप कर रहे हैं तो डबल लाइन करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मेहंदी मोटी लगाएं इस साइड्स पर, ठीक है। उसके बाद इसको सर्कल आप बनाएंगे इसका जी। तो ये देखिए हम छोटे छोटे डिबियाँ बना रहे हैं इसमें, इनको फील करने के लिए। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा फील करूँगी, कंप्लीट नहीं, जस्ट थोड़ा थोड़ा। ये हमने कंप्लीट कर लिया है मैंगो शेप्स। अब हमने क्या करना है कि इसको दोबारा से मैंगो शेप में चेंज करना है। अब हम एक विंग्स वाली मैंगो शेप बनाएंगे और इसको हल्का हल्का शेडिंग करेंगे। अच्छा जी, स्टार्टिंग बेसिस हैं, अभी आप इसको हाथ पे भी लगा सकते हैं, पेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये मेन, चाहे आप लोगों को मेहंदी लगानी आती भी है, ये मेन छोटी छोटी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें क्यों करवा रहे हैं, इसलिए कि आपके हाथ में फिनिशिंग आए, आपके हाथ में नीटनेस आए, आपको और आप जो है और अच्छी मेहंदी लगाने लग जाए, ठीक है। तो आप ऐसे बैठे रहें, फिर से आपको मेहंदी लगानी आती है, कोई क्लाइंट्स भी नहीं आते, तो आपको भूल जाएगी, आपके हाथ में नीटनेस नहीं रहेगी, ठीक है। अभी सेकंड हमने फिर से मैंगो बनाया, लेकिन इसमें कोई भी विंग्स ऐड नहीं किया। तो इसको हम फील करेंगे, ठीक है। तो ये डबल लाइन की है, इसमें थोड़े थोड़े सर्कल बना रहे हैं इसको ज्वाइन करने के लिए आपस में, ठीक है, लाइनों को जी। तो हाँ, हम छोटा सा हाफ सर्कल बनाएंगे, इसको फील करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि यू शेप फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, इसी तरह, इसी तरह आप लोगों ने कंप्लीट यू शेप फ्लावर्स बनाने हैं जी। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करने के बाद देखना है कि आप मेहंदी सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। आजकल मेहंदी सेंटर बहुत फेमस है, आप खुद से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जी। तो इसी तरह हमने क्या किया है कि हाफ सर्कल्स बनाए हैं, उसको फील करके उसके ऊपर डबल लाइन कर दी है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद जो है यू शेप जो है वो बना रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने यू शेप फ्लावर्स इसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपने सेम करनी है, जैसे कि बताती हूँ आप लोगों को बार बार कि आप लोग हिना से प्रैक्टिस करें, लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्द जो है ना मैं हिना से आप लोगों को क्लासेस देने वाली हूँ, और फिर आप ही हिना से ही जो है ना मेहंदी से ही वर्क करके मुझे दिखाएंगी। सो हमने ये यू शेप फ्लावर्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब इसकी शेडिंग करेंगे हम, ठीक है। मैं बिल्कुल स्लो स्पीड में ही आप लोगों को लगा के दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कुछ कलर्स को फिर भी समझ नहीं आती जी। तो उसकी हम शेडिंग कर रहे हैं इस तरह, सेम सारे ही आप फ्लावर्स की शेडिंग कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये बस ऐसे खाली ही अच्छा लगता है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमने डिज़ाइन फील कर लिया, सेम इसी तरह ऊपर वाला डिज़ाइन भी फील कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अरेबिक डिज़ाइन, ये सेकेंड डिज़ाइन जो है हमारा कम्प्लीट हो गया। इसके बाद हम थर्ड बनाते हैं, तीसरा। तो तीसरे फ्लावर्स में हमने क्या किया कि सबसे पहले सर्कल बनाए, ठीक है। उसके बाद इसको भी आप लोगों ने वी शेप्स में चेंज करना है, मतलब बहुत बारीक। यू होता है मोटाई में, और वी जो होता है वो भी हम उसको चाहें तो ऊपर की तरफ मोटा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इक्वल लाइनें आनी चाहिए। तो सेम इसको बनाने के बाद जी, तो इस तरह आप इसको हाफ बनाएंगे, और हाफ बनाने के बाद स्प्रिंग राउंड में घुमाएंगे। ये हमने इसको घुमा दिया इस तरह से जी। तो इसके बाद क्या करना है कि इसको हम थोड़ी सी मैंगो शेप देंगे, क्यों ना कि अरेबिक डिज़ाइन जो है इसका बेसिक चीज़ यही है कि इसमें मैंगो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आता है
लेकिन इसमें एक फिंग डालेंगे लेकिन इसको घुमाएंगे नहीं हम गोल, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या करना है कि इसको भी हमने अंदर फिलिंग कर लें, अगर आप चाह रहे हैं तो वैसे फिलिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसको भी हम जो स्टार्टिंग वाले फ्लावर्स में हमने बनाया था गोल बना के, इसको फिल करने के बाद इस पर डबल लाइन करनी है, वहाँ सिंगल थी यहाँ हम डबल लाइन करेंगे। ये देखिए इसको मैं डबल लाइन में चेंज कर रही हूँ। उसके बाद क्या करना है कि जो दरमियान वाली है ना, बाकी स्पेस साइडों वाली, इसको हल्की हल्की लाइनिंग से शेडिंग कर देंगे, ठीक है। इसके ये कर दी मैंने, ये दोनों साइड से हमने शेडिंग कर दी है हल्की हल्की। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना है कि आपने फिर से स्प्रिंग बनाना है और फ्लावर्स बनाना है, यही जो मैं पहले आप लोगों को, क्योंकि अरेबिक डिज़ाइन में ज़्यादातर ये डिज़ाइन चलता है जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी हार्श फ्लावर्स भी चलते हैं, विंग्स फ्लावर्स भी चलते हैं, रोज़ फ्लावर्स भी चलते हैं, लेकिन इसमें बेसिक क्या होता है, मैंगो शेप्स। और ये मैंगो शेप्स मतलब सिंगल लाइनिंग इस तरह से होते हैं। इसको भी हल्की हल्की आप शेडिंग करेंगे, ठीक है। ये हमने शेडिंग कर ली, ठीक है, दोनों साइडों से की है, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। अब हम हार्ट शेप फ्लावर्स बनाएंगे, ये वाले, ठीक है। ये कंप्लीट फुल हार्ट नहीं बनाते, बस हल्का सा इसमें विंग डालते हैं, ठीक है। इसकी भी शेडिंग करेंगे, ऊपर से थोड़े मोटे ऐसे ही ना से आप मोटी मेहंदी लगाएंगे और उसकी मेहंदी को नीचे की तरफ हल्का हल्का फैला देंगे तो इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह हमने सब इसको ना वो शेडिंग कर देनी है। आप भी चाहें तो लेड पेंसिल से वर्क कर लें, मेहंदी से कर लें और पॉइंटर से कर लें, कोई इशू नहीं है। बस ये एक ऐसे हाथ में नीटनेस आती है, ये कि मेहंदी लगाते रहें, बेसिक चीज़ें सीखते रहें, आती है तब आप जाके कुछ बनते हैं। उसके बाद क्या करना है, हमने डबल लाइन करनी है। डबल लाइन का बहुत फ़ायदा है कि इससे थोड़ी होल्ड आता है डिज़ाइन में, थोड़ा डिज़ाइन चेंज होता है, थोड़ा डिज़ाइन प्यारा लगता है, ठीक है। ये देखें, इसलिए मैंने ये डबल लाइन जो ना फुल फ्लावर्स में घुमा देनी है। तो देखें इसको हमने इस मतलब ये जो फ्लावर्स यू शेप फ्लावर्स बनाए हैं यहाँ पे भी घुमाएंगे और इन इसमें जो विंग डालने हैं वो हमने उधरी विंग डालना है, जिधर हमारे फ्लावर्स में पहले विंग्स है। उसमें विंग्स डालने के बाद क्या करना है कि उसको आपने कंप्लीट ही मतलब सारे ही राउंड में ही, जैसे कि मैंने बताया है कि डबल लाइन कर देनी है जी। तो अब इधर लाइन हम करेंगे तो हमारे दूसरे ऊपर वाली साइड रह गई है, तो उसको भी हम ऐसे डबल लाइन कर देंगे, ठीक है। हम हमारी वीडियो पे बने रहें, कंप्लीट वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को कौन बनाना, मेहंदी बनाना और घर में आप बना के अप्लाई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब मेथड इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये देखें यहाँ से ना हमें थोड़ा खाली खाली रख रहा है, तो हम इसको डिज़ाइन में चेंज करेंगे, लीव्स बनाएंगे, उसके बाद स्प्रिंग बनाएंगे हल्के हल्के, ठीक है जी। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वर्क जो अपना व्हाट्सएप पे मुझे चेक करवाइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है वो क्लियर हो गया है। उसके बाद लास्ट में अपना डाउट्स लगा लें, स्टार्टिंग में मोटा फिर बारीक, मतलब जो जो विंग्स है उस जगह पे। तो ठीक है डियर्स, बाय, अल्लाह हाफिज़।